देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग के जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कभी भी एंड नहीं होने वाला। तो इसलिए हर उस स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर उस प्रोफेशनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की लाइन के अंदर। तो आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं उसका रोड मैप कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको उसमें सीखनी चाहिए और कौन कौन सा स्टेप जो है आपको फॉलो करने चाहिए, सो दैट कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सीखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और जानते हैं कि क्या वो स्टेप्स हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर फॉलो किए जाने चाहिए। तो पहला जो आता है वो आता है आपका फंडामेंटल्स, यानी कि आपको अगर नए हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से इसके अंदर काम किए जाते हैं और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स वगैरह होते हैं। सेकंड इसमें आता है आपका डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में नॉलेज, क्योंकि जितना भी आप यहाँ पे मल्टीपल काफी सारे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर में काम करना होता है, तो बेसिकली उन सभी के लिए हमें प्रैक्टिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके अंदर हम डोमेन एंड होस्टिंग, यानी एक आपके पास में डोमेन्स का भी नॉलेज होना चाहिए, होस्टिंग्स क्या होती है उसका नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एक खुद का डोमेन भी होना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल कर सको। फिर तीसरा आता है हमारे पास में यहाँ पे वर्डप्रेस वेब डिजाइनिंग। अब वेबसाइट जो है वो बनाएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से एसईओ काम करता है, वाकई जो एसईओ हम काम कर रहे हैं जिसके लिए वाकई वो एप्लीकेबल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे एक वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो आपको सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद चौथा आता है टू अंडरस्टैंड दी एसईओ प्रोसेस, यानी कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके जरिए आप ऑर्गेनिकली जो है किसी भी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को नंबर वन पे गूगल के अंदर या किसी भी सर्च इंजन के अंदर कैसे रैंक करवा सकते हैं ये सीखा जा सकता है। अब यहां पर जो है आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और साथ में टेक्निकल एसईओ जो है ये तीनों ही सीखना बड़े इंपॉर्टेंट है और उनको सिर्फ सीखने की नहीं उनको प्रैक्टिकल करके देखने की भी जरूरत होती है। पांचवा नंबर स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंडिंग पेज। एक लैंडिंग पेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब हम लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो है लीड्स कैसे जनरेट होंगी और कैसे कन्वर्जन रेशियो जो है हमारा वो इंक्रीज हो सकता है, उसके लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग पेज डिजाइनिंग और उनका जो आपका लेआउट वगैरह है कैसे क्या होने चाहिए। सिक्स नंबर पे आता है ऑर्गेनिकली भी डेफिनेटली आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, लेकिन किसी भी चीज का प्रमोशन अगर हम फास्ट इफेक्टिवली करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही जरिया होता है जिसको हम कहते हैं पेड। तो पेड एड्स के अंदर हम यहाँ पे गूगल की एड्स आपको सीखनी चाहिए, जिसके अंदर जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एड्स हैं, लाइक डिस्प्ले एड्स होती हैं, वीडियो एड्स होती हैं, सर्च एड्स वगैरह वगैरह, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक कैंपेन क्रिएट नहीं करना होता, कैंपेन कोई भी रन करने से पहले, क्रिएट करने से पहले देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें उससे पहले जो है अपने गूगल जो भी एड्स अकाउंट है उसके अंदर उस चीज को सेटअप करना होता है, वो भी जो है आपके लिए जानना साथ ही साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका आता है इसी तरीके से फेसबुक एड्स, फिर आता है आपका इंस्टाग्राम एड्स। तो ये तीन ऐसे मेजर, इंडिया की बात करें तो ये तीन ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडिया के अंदर मैक्सिमम की जाती है। बाकी ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में हैं, तो गूगल एड तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, बाकी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपकी कंट्री में कौन सा प्रेफरेंस है और किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्विच कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत लोगों को ये लगता है कि ये एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन बिलीव मी जब आप एक ईमेल मार्केटिंग को खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसका जो कन्वर्जन रेशियो जो है यानी कि जो भी आपका उस पे कॉल टू एक्शन है उस पे बहुत ज्यादा जो है आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलते रहते हैं। देन उसके बाद में हम अंडरस्टैंड करेंगे गूगल टैग मैनेजर को आपको करना चाहिए, उसके बाद में आपको जो है गूगल एनालिटिक्स हो गया, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स क्या हो गया कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है
या आपको अपने ऑडियंस जो है वो कहां से आ रहा है तो हमें नहीं पता चल पाता, तो उसके लिए हमें ये एक गूगल का एनालिटिक होता है जिसको समझना, इंटीग्रेट करना, और उसके बाद में हमारा ऑडियंस किस जगह से आ रहा है और कहां पर हमारा किस चीज का कौन सी सर्विस है या कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है वेबसाइट के ऊपर में रीच किया जा रहा है ट्रैफिक के द्वारा। सो बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स जो है वो सिर्फ एक मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे पैरामीटर्स आपको हेल्प करते हैं जब आप एक गूगल एड रन करते हो या किसी भी तरह की कोई एड रन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, मेरे ऐसे कौन सी सर्विसेज हैं, मेरे ऐसे कौन से पेजेस हैं और मेरा ऐसा कौन सा टारगेट ऑडियंस है या कौन सा टारगेट एरिया है, लोकेशन है जिसके ऊपर में मैं एड को रन कर सकूं, सो दैट कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है उसके ऊपर में रिजल्ट देखने को मिले। देन उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग की, तो बिजनेस लिस्टिंग आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद में आपको ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब ब्लॉगिंग जो है वो हालांकि एक वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, लेकिन ब्लॉगिंग जो है किसी भी वेबसाइट को रैंक पे लाने की अगर बात की जाए तो वहां पे ब्लॉगिंग एक ऐसा बैकएंड टूल है आपके लिए जो किसी भी वेबसाइट को ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए और नंबर वन पे लाने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एडसेंस। एडसेंस जो है ये एक ऐसा जरिया है जहां से आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग से या अपने किसी भी अलग आपके पास में, मान लेते हैं कोई आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, किसी भी तरह की आप वेबसाइट रन कर रहे हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उससे अगर आप जो है पैसा कमाना चाहते हैं तो एडसेंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, किस तरीके का जो है पूरा सेटअप होना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या इश्यूज आते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करना होता है, ये सब चीजें एडसेंस के अंदर आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपका लीड जनरेशन टेक्निक्स। लीड जनरेशन टेक्निक्स जो है वो वैसे बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी लीड्स हम पेड एड के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन देर आर फ्री जो हम आपके अगर यूट्यूब चैनल है या आपके पास में कोई और मीडियम है, राइट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तो कई सारे तरीके हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लीड जनरेशन करने में हेल्प कर सकती हैं, ये जानना बड़ा एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो तो डेफिनेटली आपको लीड जनरेट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग ऑन बाय यूजिंग दी गूगल मैप का इस्तेमाल करके आप कैसे क्लाइंट्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, गूगल मैप जो है आपको हेल्प कर सकता है अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। फिर आपका आता है यहाँ पे कॉन्टेंट राइटिंग, यानी कि हमेशा से कहा गया है कॉन्टेंट इज दी किंग। आज अगर हम देखें गूगल की बात तो गूगल इतना सक्सेस है क्योंकि उसने कंटेंट के ऊपर में काम किया है। तो एक कंटेंट जो है वो बेसिकली किसी भी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए जो है कंटेंट बड़ा ही मैटर करता है, और ऐसे में अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। तो आपको कंटेंट राइटिंग किस तरीके से आपको करनी है और कहां कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग में जो है हेल्प कर सकते हैं, इनकी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली एक और चीज बची है जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम जितना भी प्रोसेस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो ऐसी लोकेशंस पे किया जाता है जहां पर ऑडियंस अवेलेबल है। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर में सबसे ज्यादा टाइम जो है वो जनरली जितनी भी पब्लिक है वो स्पेंड करती है, और एक सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया बन सकता है जहां से आप बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हो, जहां से बहुत सारे अपने बिजनेस को जो है वायरल करके रैंक में ला सकते हो, टॉप पे ला सकते हो और अपने बिजनेस को 4 गुना 10 गुना 20 गुना जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये ऐसे 19 स्टेप्स है जो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएं।